एक चिड़िया का घोंसला, एक चिड़िया का घोंसला जिसमें चिड़िया अपने बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जो उनके लिए सेफ हो, उनके लिए उसमें खाना लेके आती है और उन्हें उन्हें एक खुशी मिलती है, एक घर वाली फीलिंग मिलती है। दोस्तों आज एक ऐसी प्रॉपर्टी में मिशन प्रॉपर्टी आपको लेके आया है जो अपने आप में एक नेस्ट है, द नेस्ट ऑफ जॉय। जी हाँ, सुषमा जॉय नेस्ट ZRK1। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी में लेके आए हैं जो बहुत ही मिनिमल साइज प्रॉपर्टी है और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो एक नेस्ट जैसा है जिसमें आपको वही खुशी मिलने वाली है, वही लग्जरी मिलने वाली है जो चिड़िया अपने बच्चे को एक घोंसले में प्रोवाइड करती है। दोस्तों 3.5 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में आज मैं आपको लेके आई हूँ जो बहुत ही ब्यूटीफुल और सरीन एनवायरनमेंट में बनाया गया है और यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके पास रहने वाले वो 3 BHK फ्लैट्स के, यहाँ पे सभी फ्लैट्स जो है हमारे 3 BHK हैं जिसकी वजह से एक कम्युनिटी लिविंग की आपको बहुत बढ़िया फीलिंग यहाँ पे आने वाली है। पार्किंग की और सिक्योरिटी की अगर बात कर लें, सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी रहने वाली है, गेट पे प्रॉपर सिक्योरिटी चेक्स होने वाले हैं और पूरे प्रोजेक्ट की आउटलाइन में आपको पार्किंग एरिया प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि सरफेस पे और ज़्यादा कोई कंजेशन ना हो, आपके बच्चे बहुत ईजिली प्ले वगैरह कर सकें पूरी इस एनवायरनमेंट में। दोस्तों पार्क्स की बात करें तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है वहाँ पे काफ़ी बड़ा पार्क हमें प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे आपके बच्चे खेलने जा सकते हैं, आप जहाँ पे वॉक करने जा सकते हैं और बहुत सारी और एक्टिविटीज, शाम के टाइम आप वहाँ बैठ भी सकते हैं। एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर हम पार्क की बात कर ही रहे हैं तो हर 2 टावर्स के बीच हमें पार्क्स प्रोवाइड किए जाने वाले हैं जिनमें से एक रहने वाला है हमारा किड्स प्ले एरिया और दूसरा हमारा रहने वाला है मेडिटेशन या योगा पार्क। दोस्तों isn't that amazing कि आपको हर 2 टावर्स के एडजेसेंट आपको 2 पार्क्स प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। दोस्तों मुझे तो ये पर्सनली प्रोजेक्ट बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल लग रहा है। दोस्तों इसकी लोकेशन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो लोकेशन जो रहेगी ये गाजीपुर रोड रहेगा जो चंडीगढ़ अंबाला हाईवे से केवल 2 से 3 मिनट की दूरी पर रहेगा, जो कि बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आप सारी एमेनिटीज बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। कुछ भी हो, कोई भी ब्रांड, कोई भी बाजार हो, आप बहुत इजीली इस लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। G+5 के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई है, साथ में आपकी पार्किंग जो है वो ओपन पार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। एलिवेशन एक बार आप देख लीजिए, इसका बहुत बढ़िया एलिवेशन यहाँ से दिख रहा है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टोटल 4 टावर रहने वाले हैं जिसमें से 2 टावर ऑलरेडी बनके तैयार हो चुके हैं, हमारी 60+ फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ रिजाइड कर रही हैं और जो बाकी के 2 टावर्स हैं वो आने वाले 6 to 8 मंथ्स में अंडर पोजेशन मिल जाएंगे आप। दोस्तों एमेनिटीज के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, तो एमेनिटीज में एक आता है हमारा क्लब हाउस जो बहुत ही अमेजिंग है। चलिए चलते हैं अपने क्लब हाउस की ओर और देखते हैं क्या क्या उसमें हमारे लिए वेट कर रहा है, आ जाइए। दोस्तों तो अभी हम पहुंच गए हैं हमारे क्लब हाउस में, मैंने आपको सारी एमेनिटीज के बारे में बता दिया और क्लब हाउस जिनमें से एक है। दोस्तों हमारे क्लब हाउस की जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें रहने वाला है मल्टीपर्पज हॉल, दूसरे फ्लोर में हमारा रहने वाला है जिम और तीसरे फ्लोर में हमारा रहने वाला है रूफटॉप जहां पे आप पार्टी कर सकते हैं और बहुत अमेजिंग जहां पे गैदरिंग्स हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम विजिट करते हैं हमारा जिम जो कि बहुत ही लग्जरी जिम है, आइए देखते हैं कैसा दिखता है। अभी हम पहुंचे हैं फर्स्ट फ्लोर में और आप ये देख सकते हैं लग्जरी जिम हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, हर एक इक्विपमेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। आपकी कार्डियो के लिए एक सेक्शन प्रोवाइड किया गया है, कार्डियो के लिए साइकिलिंग मशीन है, आपके पास रनिंग के लिए मशीन है, साथ ही में यहाँ पे एक मल्टीपर्पज सेक्शन है जो आपके सभी बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करने में हेल्प करेगा और एक मिरर एरिया आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है और साथ में ये स्ट्रेचिंग एरिया भी यहाँ पे हमें दिया गया है, रॉड्स प्रोवाइड की गई हैं, हर एक चीज आपको इस जिम में मिल जाएगी और एक बहुत ही अच्छा सा जिम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में और देखते हैं और क्या हमारे लिए वेट कर रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने फ्लैट की ओर और देखते हैं जो हमारा इस सोसाइटी का 3 BHK फ्लैट है वो कैसा दिखता है और हर फ्लैट जो है यहाँ पे 3 BHK ही होने वाला है। चलिए ये देखते हैं हमारा 3 BHK फ्लैट जो रहेगा 1350 स्क्वायर फीट में, आइए। तो दोस्तों अभी मैं आपको ले आई हूँ हमारे सुषमा जॉय नेस्ट ZRK1 के सैंपल फ्लैट में। ये है 3 BHK फ्लैट जिसका एरिया हमारा रहने वाला है 1350 स्क्वायर फीट का। दोस्तों मैं पर्सनली ऐसे फ्लैट्स की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत ही मिनिमल साइज ये फ्लैट है और बहुत ही क्यूट सा फ्लैट है। चलिए आइए इसका एक टूर ले लेते हैं और देखते हैं। तो गाइज ये है इसकी एंट्री, आप देख सकते हैं ये जो डोर है यहाँ पे ये वुड का डोर है और काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही मिनिमलिज्म के कंसेप्ट पे ये पूरा फ्लैट बनाया गया है। आ जाइए अंदर। दोस्तों ये है हमारा लिविंग डाइनिंग एरिया जिसका एरिया रहेगा 10.5 by 19.5 का। दोस्तों काफी अच्छा साइज हमें यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक डाइनिंग टेबल हम प्लेस कर सकते हैं, 5 सीटर 6 सीटर जितना भी आप चाहें, और यहाँ पे एक काउच ब्यूटीफुली हम प्लेस कर सकते हैं, 6 से 7 सीटर का काउच बहुत आराम से यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे इस लिविंग डाइनिंग के साथ मिलती है हमें ये ब्यूटीफुल सी विंडो जहाँ से लाइटिंग बहुत अच्छी रहेगी
और इसके साथ ही रहेगी हमारी बालकनी अटैच्ड दोस्तों। और इसके साथ हमें यहाँ पे मिलने वाला है एक पाउडर रूम जो कि रहेगा हमारा कॉमन वॉशरूम और बहुत ब्यूटीफुल सा है, आप देख सकते हैं। जो फिटिंग्स दोस्तों यहाँ पे हमें मिलने वाली है वो हिमवेयर की फिटिंग सारी मिलने वाली है, एंटीस्किड टाइल्स हमारे यहाँ लगा हुई है। तो दोस्तों ये हमारा लिविंग डाइनिंग एरिया और बालकनी मैंने आपको दिखा दी, बालकनी रहेगी इसके साथ अटैच। अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। किचन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक फ्लैट का। इसकी किचन भी आप देख सकते हैं, मॉड्यूलर किचन है और वुडन वर्क जो है एज इट इज का रहने वाला है। ये टाइल्स जो यहाँ पे लगाई गई हैं ये एज इट इज रहने वाली हैं। और ये आप स्टोरेज स्पेस मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये आपकी गीली डिशेस को रखने के लिए यहाँ पे स्पेस है और ये स्टोरेज कैबिनेट्स हैं, हर चीज़ के लिए प्रॉपर स्पेसिंग है। आप ये कैबिनेट्स दे सकते हैं, सॉफ्ट क्लोजर हमारे पास रहेंगे। यहाँ पे चिमनी के लिए स्पेस है, हॉब आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं अपना। तो बहुत ही प्यारा सा किचन है ये। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना बेडरूम एक बार देखते हैं, आ जाइए। तो दोस्तों ये है हमारे इस 3BHK फ्लैट का पहला बेडरूम। साइज बहुत ब्यूटीफुल सा साइज है, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस हमें दी गई है और यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छी सी विंडो मिल जाती है जिससे लाइट बहुत अच्छी रहने वाली है पूरे रूम में और जो वेंटिलेशन है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है पूरे कमरे में। और इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे इस 3BHK फ्लैट का दूसरा बेडरूम। आप देख सकते हैं यहाँ भी हमें स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड की गई है, इसको एक बार खोल के देख लेते हैं। फुल साइज, ऑलमोस्ट फुल साइज अलमीरा है ये और वॉशरूम जो है इस रूम के साथ अटैच रहने वाला है। दोस्तों आप आइडियाज़ हमारी वीडियो से ले सकते हैं कि आप कैसे अपने इस रूम को डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे आप बेड की प्लेसिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग आजकल वास्तु के हिसाब से घर को प्लान कर रहे हैं, वो आइडियाज़ भी आप हमारी वीडियो से ले सकते हैं। दोस्तों इसका वॉशरूम एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया हिमवेयर की फिटिंग्स पूरे वॉशरूम में रहने वाली है और वॉशरूम जैसा आप देख रहे हैं एज इट इज आपको ये दिया जाएगा बना के पूरा प्रॉपर। और ये जो रूम है इसके साथ भी आपको एक बालकनी यहाँ मिलने वाली है, बालकनी का व्यू आप एक बार ले लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ जो इस मिनिमल से फ्लैट का हार्ट है, आ जाइए। मास्टर बेडरूम की फ्लोरिंग आप देख सकते हैं, वुडन फ्लोरिंग यहाँ पे दी गई है हमें और साथ में स्टोरेज स्पेस भी काफी बड़ी है। यहाँ पे डबल अलमीरा, एक विद सिंगल ड्रॉर हमारी रहेगी और एक विद डबल ड्रॉर हमारी रहने वाली है। और इसके साथ भी वॉशरूम जो है वो हमें अटैच मिलने वाला है। वॉशरूम एक बार आप देख लें, और बालकनी आपको पूरे घर में हर एक फ्लैट के साथ बालकनी मिल रही है जो हम बोलते हैं वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत परफेक्ट चीज़ है कि हर एक कमरे के साथ आपको बालकनी मिल रही है। और इसमें तो मुझे पूरा इमेजिन हो रहा है कैसे हम हर चीज़ की प्लेसिंग कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे कॉफ़ी टेबल्स लगाए जा सकते हैं, LED पैनल कैसे प्लेस किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा 3BHK फ्लैट सुषमा जॉइनिस्ट ZRK1 का। दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लैट हमने देखा, हमने इसका पूरा टूर किया और ये सोसाइटी बहुत प्यारी सी है, अपने आप में ही एक नेस्ट है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और हर एक अमेनिटी जो हमें यहाँ दी जाने वाली है उसके बारे में मैंने आपको बताया, जो क्लब हाउस है, जो जिम है वहाँ पे, जो हमारा मल्टीपर्पज हॉल है और हर एक चीज़, स्विमिंग पूल, पार्किंग एरिया आपको दिया जा रहा है और 3.5 एकड़ के पूरा प्रोजेक्ट है ये। इसके बारे में कोई भी सवाल आपका है, कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक और बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी दोस्तों, यहाँ पे ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं किसी भी ऑनलाइन सोर्स पर रिलाय ना करें, आप ऑन साइट आएं, बिल्डर के पेपर्स आप देख सकते हैं, सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोचें और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप किसी भी सवालों के लिए। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिशन प्रॉपर्टी, योर ड्रीम प्रॉपर्टी इज आवर मिशन।